दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर और आपके फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने से जुड़ी एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं यानी आपका मनी मित्र रजनीश खान। दोस्तों बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, DAI, USDT ये नाम तो आपने सुने ही होंगे क्योंकि इन दिनों ये नाम काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये सब क्रिप्टो करेंसी हैं। भारत समेत दुनिया भर में अभी क्रिप्टो करेंसी को कहीं भी साफ साफ कानूनी मान्यता नहीं मिली है, लेकिन इन क्रिप्टो करेंसी का रुतबा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आपके पास भी बिटकॉइन है, इथेरियम है, DAI है, USDT है तो उस पर आप बैंक FD की तरह ब्याज पा सकते हैं। साल भर में 12% तक ब्याज पाने और हर दिन अपने क्रिप्टो करेंसी अकाउंट में ब्याज पाने का मौका आपके पास है। तो दरअसल देश का पुराना क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में से एक ZPay ने लैंडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है जहां आप बैंक FD की तरह बिटकॉइन, इथेरियम, DAI, USDT क्रिप्टो करेंसी जमा करके ब्याज पा सकते हैं। ये भारत में अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म है। आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी को खरीदने, बेचने, होल्ड करने, खर्च करने के लिए किसी ना किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में आपको खाता खुलवाना होता है। खाता खुलवाने से जुड़ा सारा काम ऑनलाइन होता है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के मोबाइल एप्स भी होते हैं। खाता खुलवाने के लिए KYC दस्तावेज देने होते हैं। कारोबार के लिए एक्सचेंज अलग अलग फीस वसूलता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको भारत और विदेशों के चुनिंदा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं भारत के क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ZPay द्वारा बैंक FD की तरह ब्याज पाने की सुविधा देने संबंधी प्लेटफॉर्म की। तो अगर आपके पास बिटकॉइन है, इथेरियम है, DAI है, USDT है तो उस प्लेटफॉर्म का कैसे इस्तेमाल करें इस एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ZPay में खाता खुलवाना पड़ेगा। खाता कहां जाकर खोलना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ZPay ग्राहकों के क्रिप्टो करेंसी की पूरी सुरक्षा देने का दावा करता है। यहां खाता खुलवाने के लिए KYC दस्तावेज देने होंगे। इसमें नॉमिनेशन की भी सुविधा है, आप नॉमिनी बना सकते हैं। लेकिन ZPay आपसे उम्मीद करता है कि जो संवेदनशील जानकारियां हैं आपके अकाउंट से संबंधित, जैसे कि अकाउंट नंबर, पिन, OTP, इसकी जानकारी आप किसी को न दे, सिर्फ आप अपने पास ही रखें। तो कैसे उठा सकते हैं फायदा ये भी जान लीजिए। बिटकॉइन, इथेरियम, DAI, USDT को ZPay में जमा कर ब्याज पाने के दो विकल्प आपको मिलेंगे। एक है ओपन टर्म विकल्प और दूसरा है फिक्स टर्म विकल्प। ओपन टर्म विकल्प में हर दिन आपका जितना ब्याज बनेगा उसे आपके ट्रेडिंग वॉलेट यानी खाता में उसी दिन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाद में तुरंत ब्याज के तौर पर मिले क्रिप्टो को वापस ब्याज पाने के लिए जमा कर सकते हैं। इसमें ब्याज जिस क्रिप्टो करेंसी को जमा करेंगे उसी क्रिप्टो करेंसी में मिलेगा। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो बिना अपने क्रिप्टो करेंसी को लॉक इन किए ओपन टर्म डिपॉजिट के तहत अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। तो ओपन टर्म डिपॉजिट के तहत किस क्रिप्टो करेंसी पर सालाना कितना ब्याज मिलेगा वो भी जान लीजिए, क्योंकि इसकी जानकारी ZPay ने अपनी वेबसाइट पर दी है और अपने ट्विटर हैंडल पर भी इसकी जानकारी दी है। तो अगर आप बिटकॉइन जमा करते हैं तो सालाना ब्याज मिलेगा 3.5%, इथेरियम जमा करते हैं तो सालाना 7%, DAI जमा करते हैं तो सालाना 7% ब्याज आपको मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे विकल्प यानी फिक्स टर्म डिपॉजिट की। इस विकल्प के तहत आप बिटकॉइन, इथेरियम, DAI, USDT को 7 दिन, 30 दिन, 60 दिन और 90 दिनों तक ZPay में जमा कर ब्याज पा सकते हैं। ब्याज की दर आपके द्वारा चुनी गई अवधि पर निर्भर करेगी। अवधि समाप्त होते ही आपका मूलधन ब्याज समेत आपके ट्रेडिंग वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। समय पूरा होने से पहले यानी मैच्योरिटी से पहले भी आप इन क्रिप्टो करेंसी को निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पेनाल्टी देनी होगी जो कि आपके ब्याज से लिया जाएगा। अब फिक्स टर्म डिपॉजिट के तहत किस क्रिप्टो करेंसी पर सालाना कितना ब्याज मिलेगा वो भी जान लीजिए। तो बिटकॉइन लगाते हैं तो सालाना 3.5%, इथेरियम लगाते हैं जमा करते हैं तो 7%, DAI जमा करते हैं तो 7% और USDT जमा करते हैं तो 10% ब्याज मिलेगा सालाना। क्रिप्टो करेंसी की बड़ी कीमत ही ब्याज के रूप में निवेशकों को दिया जाएगा। आपको बता दूं कि ZPay के दुनिया भर में 30 लाख ट्रेडर है। तो दोस्तों ये मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बताया है आपको, और इसमें आपको क्रिप्टो करेंसी जमा करके ब्याज लेना है नहीं लेना है, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है नहीं करना है, ये बिल्कुल आप खुद से सोचे, इसे सिर्फ जानकारी के तौर पर ही ले। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।